श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 14। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद चतुर्दश अध्याय भवाठवी का स्पष्टीकरण। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र तीन प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोगादि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञानेन्द्रिया। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों के समान परसमर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचाता है। यह वन श्मशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्रीहरि एवं गुरुदेव के चरणारविंदम करण दम्भु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसारवन में मन सहित 6 इंद्रिया ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप होता है, तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रिया देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगम करने वाले एवं असावधान बनिजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। यही नहीं, उस संसारवन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्रादि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िये गड़रियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी पक्षी चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्यलोक को गंधर्व नगर के समान असत है सत्य समझने लगता है। फिर खानपान और स्त्री प्रसंगादि व्यसनों में फंसकर मृत तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की अगिया बेताल की ओर उसे आग समझकर दौड़े।
कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसारारण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांधसा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरुमरीचिका तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की और परोक्ष रूप से बोलने वाले झींगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांटपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान हैं तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सुखी नदी में गिरकर दुहखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुःखमय घर में पहुंचता है तो वहां इष्टजनों के वियोगादि से उसके शोक की आग भड़क उठती है, उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हार लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंच हुए व्यक्ति के समान दुःखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रारूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्वरूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के करना नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरकरूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुखरूप मधु कणों ढूंढते ढूंढते जब यह लुक्छिप कर परस्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका ओरछोड़ नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं
कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आधिदैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुःख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सादमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे वह ठन जाता है। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख रागद्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के बाहुपाश में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नरकों में गिरता है। कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्विपराद पर्यंत क्षणगति आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाले यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग हैं। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर शुद्रातिक शुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर सहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक गिद्ध बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है जिनका केवल वेद बाह्य अप्रामाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर श्रोत स्मार्त कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहां बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्युकाल का भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्रादि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उनमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आधिदैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुःखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है।
कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहां तहां दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाहादि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहां आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहां का था छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुओं को साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुःख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संघ से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक तो योगशास्त्र की भी गति नहीं है, जिन्होंने सब प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया है वे निवृत्ति प्रायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वह ठाना था उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से वे भी पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोकों में जाने वालों की भी है। राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्रीहरि में अनुरक्त होकर अति मनोहर स्त्री पुत्र मित्र और राज्यादि को युवावस्था में ही विष्ठा के सामन त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुस्तेज पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले धर्मानुष्ठान में निपुण योग्य में सांख्य के प्रतिपाद्य प्रकृति के अधीश्वर यज्ञ मूर्ति सर्वांतर्यामी श्रीहरि को नमस्कार है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं।
उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उनकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता।